रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटर वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो इधर, अभी हमने डिराइव किया है ना एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी है ना क्या बोलता है, वी ई इज इक्वल टू रूट ओवर टू जी। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, वी नॉट क्या होता है शिवानी, तुम बताओ याद रखो, रूट ओवर जी है ना। इसको सेकंड इक्वेशन मान, अब रिलेशन बताना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा है ना, तो मल्टी है ना क्या कर देते हैं, डिवाइड कर, तो इक्वेट तो कर नहीं सकते ना क्योंकि दोनों इक्वल तो है नहीं, तो इक्वेट तो हम नहीं कर सकते, ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन। ठीक, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड होता है, और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, तो इस इतना डिवाइडेड बाय इतना वी नॉट, और ये है रूट ओवर टू जी आर है ना, और फिर क्या है रूट ओवर जी आर है ना। तो क्या हम ये भी रूट ओवर जी आर टू जी आर है, ये भी रूट के अंदर है और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्या हम दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं है ना। तो वी ई अपान वी नॉट रूट ओवर टू जी आर अपान जी आर, जी आर से जी आर कैंसिल हो जाए, फिर क्या बचा, वी ई इज इक्वल टू रूट ओ टू वी नॉट, बस अब इसके आगे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है ना, तो यहीं पे लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, दैट्स ऑल है ना। तो ये छोटा सा है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये, या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी।